स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थ्री का साइंस चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पौधे के भाग के बारे में, जो उसके भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के, पौधे के भाग जो हैं, जो हिस्से हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है इसमें कि ए प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इस कहने का मतलब है कि पेड़ के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, उसके अलग अलग काम होते हैं। ऑल दीज पार्ट्स वर्क टूगेदर टू हेल्प द प्लांट टू लिव एंड ग्रो। सारे हिस्से मिलकर के, जब पेड़ के सारे हिस्से मिलकर के जब काम करते हैं, तो पेड़ के बड़े होने में, बढ़ने में और जीने में मदद कर पेड़ को सहायता करता है। ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स। पेड़ के मुख्य दो भाग है, जिसको रूट एंड शूट में डिवाइड किया गया हुआ है। रूट का अर्थ होता है जो जमीन के अंदर का हिस्सा होता है, जिसको जड़ कहते हैं, वो होता है रूट। शूट जो हिस्सा है, वो जमीन के ऊपरी वाले हिस्से को हम कहते हैं शूट, जिसको तना भी कहते हैं। आइए देखते हैं शूट के बारे में सबसे पहले कुछ डिटेल में। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी कैन सी ग्रोइंग अबव द सॉइल। सॉइल का अर्थ होता है मिट्टी, यानी कि मिट्टी के ऊपर के हिस्से में उपजने वाले भाग को हम शूट कहते हैं। ठीक है, पेड़ का जो मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं शूट। शूट हैज स्टीम ब्रांचेज। शूट में कौन कौन से हिस्से आते हैं? तो स्टीम आते हैं, ब्रांचेज आते हैं, लीव्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं। यानी कि पेड़ का जो जमीन के ऊपर का हिस्सा है, उसमें जो भी भाग आते हैं, वो शूट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है रूट। रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द सॉइल। यानी ये मिट्टी के अंदर वाले हिस्से में पनपता है, इसको जड़ कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर वाले हिस्से। द रूट, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रूट। रूट के भी दो हिस्से होते हैं। ठीक है, रूट के भी दो प्रकार होते हैं, यानी जड़ के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं टैप रूट्स और एक होते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो टैप रूट के बारे में हम देखते हैं। टैप रूट क्या है? सम प्लांट्स लाइक रेडिश, हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड मैंगो हैव लॉन्ग मेन रूट दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम। इसका मतलब हो गया कि इस तरह के जो पौधे होते हैं, जैसे रेडिश है, हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, मैंगो है, इनके जो पौधे होते हैं, इसका एक मेन रूट होता है, यानी एक मुख्य जड़ होता है, जो जमीन के अंदर की तरफ फैला हुआ होता है। इस प्रकार के रूट को, इस प्रकार के जड़ को हम टैप रूट बोलते हैं। ठीक है, जिस पेड़ का एक मुख्य जड़ जमीन के अंदर वाले हिस्से में फैला हुआ हो, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। इट गोज डीप इन टू द सॉइल। ये जमीन के काफी अंदरूनी हिस्से तक गया हुआ रहता है। इस तरह का जो जड़ होता है, टैप रूट जो होते हैं जिस पौधे में, वो जमीन के काफी अंदर तक गए होते हैं। मेनी स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, सच रूट आर कॉल्ड टैप रूट। और उससे छोटे 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 काफी सारे रूट्स, यानी काफी सारे जड़ जुड़े हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं। उस मेन रूट से छोटे छोटे काफी सारे जड़ जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के रूट को हम टैप रूट बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं फाइब्रस रूट। सम प्लांट्स लाइक ओनियन, ग्रास, वीट एंड राइस डू नॉट हैव मेन रूट। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, ओनियन के, ग्रास के, वीट के एंड राइस के, चावल के, जो धान के पेड़ होते हैं, उसमें मेन रूट कोई नहीं होता है, मुख्य रूट, एक इंपॉर्टेंट रूट कोई नहीं होता है। दे हैव ए बंच ऑफ टीनी द ब्यूसी रूट। इसमें झाड़ की तरह रूट होता है, झाड़ की तरह होता है रूट। They grow from the base of the stem and spread within the soil. ये जमीन के अंदर वाले हिस्से में फैला होता है। Such root are called fibrous root. इस प्रकार के रूट को हम fibrous root कहते हैं। ठीक है? आगे हम देखते हैं function of the root. इसका काम क्या है? Roots का काम क्या है? जमीन के अंदर जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, उनका function क्या है? उसका काम क्या है? रूट्स फिक द प्लांट टू द सॉइल। सबसे पहला काम है इसका कि रूट पेड़ को जमीन से बांधे रखता है, पकड़ बना के रखता है। ठीक है, रूट जो है, जड़ जो है, पेड़ को जमीन से बांध कर रखता है, यानी पकड़ बना के रखता है।
दे प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ताकि पेड़ जो है वो जमीन से छूट करके गिर न जाए। तेज हवा चलने के कारण जो है पेड़ क्या हो कि गिर न जाए, टूट कर गिर न जाए। फॉलिंग डाउन का मतलब होता है गिर जाना, टूट कर गिर जाना। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, रूट्स जो है जड़ जो है मिट्टी से क्या लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है ना, पानी और खाद्य पदार्थ लेते हैं। विच देन ट्रेवल थ्रू द स्टीम, जिसको वो स्टीम के द्वारा, तने के द्वारा, ब्रांचेस टू लीफ, ब्रांच से होते हुए स्टीम के द्वारा जो रूट शूट वाला हिस्सा है उसके उस हिस्से से क्रॉस कराते हुए ब्रांच के हिस्से से पत्ते तक पहुंचाता है। वाटर एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू, वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता क्यों होती है प्लांट को, तो उसके बारे में बताया गया है कि वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू मेक फूड एंड हेल्प देम ग्रो, और भोजन पकाने के लिए पौधे जो भोजन पकाते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, भोजन जो पकाते हैं पौधे, वो भोजन कहाँ पकता है, पत्ते में पकता है। वो पत्ता जो है भोजन पकाने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको। तो इन सब चीजों को मिला करके पत्ते जो है क्या तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। तो उसको जो वाटर चाहिए वो वाटर उसको कहाँ से मिलता है, तो वही रूट जो है सॉयल से, सॉयल का मतलब होता है मिट्टी, वो मिट्टी से रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है, खींचती है, सोखती है, और उस वाटर को रूट शूट्स के द्वारा, ब्रांचेस के द्वारा पहुंचाती है कहाँ, पत्ते में, ताकि वो फोटोसिंथेसिस का काम यानी अपने भोजन बनाने का काम अच्छे से कर सके। भोजन से क्या होता है, तो पेड़ को ग्रो करने यानी कि बड़ा होने में, छोटे से बड़ा होने में, प्लांट बनने में, एक ट्री बनने में उसको मदद करे। रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक कैरोट, कुछ पौधों के रूट्स जो हैं, जैसे कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है एंड बीट रूट है, स्टोर एक्स्ट्रा फूड, वी ऑफ्टन ईट सच रूट, ठीक है। तो कुछ रूट ऐसे होते हैं, कुछ पौधों के रूट ऐसे होते हैं, जैसे आपको बताया गया कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है, इन सब के जो रूट होते हैं उनका एक काम और होता है कि वो जो भोजन पकाते हैं पौधे, उस भोजन को स्टोर करना, जमा करके रखना, अपने आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल करने के बाद उसको जमा कर लेना, अपने आने वाले समय के लिए उसको जमा कर लेना। रूट्स बाइंड द सॉयल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वेस्ट अवे बाय द वाटर और विंड, रूट्स जो है वो सॉइल के साथ बाइंड, बाइंड मतलब होता है जुड़ाव कर लेता है, इस प्रकार से जुड़ाव कर लेता है कि काफी तेज हवा आने के कारण वो पौधे उसके क्या हो, गिर न जाए, ठीक है ना, जमीन पे टूटकर गिर न जाए। इसलिए रूट्स जो है सॉइल के साथ क्या कर लेते हैं, एक जुड़ाव बना लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं दोनों एक दूसरे में। आगे देखते हैं द सूट, शूट क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जमीन के ऊपर वाले हिस्से को हम शूट बोलते हैं, जमीन के अंदर वाले हिस्से को रूट बोलते हैं, रूट आप समझ गए। रूट का काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, वो आपको पता चल गया। चलिए आप देखते हैं शूट, तो शूट कंसिस्ट ऑफ द स्टीम, शूट्स में कौन कौन से हिस्से आते हैं, स्टीम आता है, लीव्स आता है, फ्लावर आता है एंड फ्रूट आता है। स्टीम का मतलब होता है वो जो डालियां होती है, पेड़ की जो डालियां होती है उसको कहते हैं स्टीम। लीव्स का मतलब होता है पत्ते, फ्लावर का मतलब होता है फूल एंड फ्रूट का मतलब होता है फल। तो ये सारे क्या होते हैं, जमीन से ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, तो ये किसके भाग हुए, ये शूट के भाग हुए। लेट्स स्टडी अबाउट दिस प्लांट, चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। द स्टीम इज मेन पार्ट ऑफ द शूट, स्टीम जो होता है, डाली जो होता है, वो शूट का मुख्य भाग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। इट बियर्स ब्रांचेस ऑन विच लीव्स बर्ड्स फ्लावर एंड फ्रूट ग्रो, जिसके अंदर ब्रांचेस निकलती है, छोटी छोटी टहनियां जो होती हैं वो निकलती हैं, विच लीव्स, लीव्स यानी पत्ते होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं एंड फ्रूट होते हैं।
इसलिए स्टीम क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, सूट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसी में सभी जुड़े होते हैं। कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती है, तो ब्रांचेज जुड़ी होती है, डालियां लीव्स जुड़े होते हैं, पत्ते जुड़े होते हैं, बर्ड्स जुड़े होते हैं। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो बर्ड्स का मतलब होता है जो फूल, फूल से पहले जो छोटा सा हिस्सा कली खिलता है, फूल से भी पहले, किसी फल के आने से पहले फूल होता है, फूल से भी पहले जो छोटा सा कली होता है उसको बर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्लावर, कोई भी फल जब लगता है तो फल लगने से पहले क्या आता है उसमें, फूल लगता है, उसके आगे कहलाता है फ्रूट, फल। एस्टीम कैन बी सॉफ्ट, वीक और हार्ड एंड वुडी। एस्टीम सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी एस्टीम क्या होती है, सॉफ्ट होता है, एकदम नरम होता है, मुलायम होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके वीक होते हैं, या वीक का मतलब बहुत कमजोर, जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। और हार्ड एंड वुडी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसके स्टीम्स होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, और वुडी, वुडी का मतलब होता है उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी चीज़ को बनाने में, या पलंग को बनाने में, या जो कुर्सी को बनाने में, या किसी भी लकड़ी के सामग्री को बनाने में उसका उस लग, उसके पेड़ के लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वुडी बोलते हैं। सॉफ्ट स्टीम आर फाउंड इन द हर्ब्स सच एज मिंट एंड कोरिएंडर। सॉफ्ट स्टीम किस तरह के पौधों में पाया जाता है, तो सॉफ्ट स्टीम हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब होता है छोटा पौधा, बहुत छोटा पौधा जो होता है उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। तो उसमें उसका जो स्टीम होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, एकदम नरम होता है। द स्टीम ऑफ बिग ट्री, जो बड़े पेड़ होते हैं उसके स्टीम कैसे होते हैं, सच एज मैंगो, मैंगो का जो ट्री है, बनियान का ट्री है, नीम का ट्री है, इसके जो स्टीम होते हैं उसको ट्रंक भी हम कहते हैं, ठीक है। इसके जो बड़े बड़े स्टीम होते हैं, मोटे मोटे, क्योंकि बड़ा पेड़ है तो स्टीम भी कैसा होगा, मोटा होगा, बड़ा होगा। छोटे पौधे होंगे तो उसका स्टीम क्या होगा, पतला होगा, छोटा होगा। तो जो बड़े पौधे हैं उनका स्टीम बड़ा होता है, उसको हम ट्रंक भी कहते हैं। ट्रंक्स आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी, और ट्रंक्स जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, और वुडी होते हैं। वुडी का मतलब अभी आपको बताया है कि वुडी का मतलब होता है जिसके लकड़ी का इस्तेमाल किसी सामग्री को बनाने में, किसी लकड़ी के सामान को बनाने में किया जाता है, उसको वुडी बोलते हैं। तो जो मजबूत होगा तभी तो उसका हम उपयोग करेंगे किसी चीज़ को बनाने में। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टीम, अभी हम स्टीम का फंक्शन देखते हैं कि स्टीम का फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन है द स्टीम होल्ड्स मोस्ट ऑफ द प्लांट अपराइट ऑफ द ग्राउंड, यानी जमीन के ऊपरी हिस्से का जो भाग है उसको संभाल के रखने का काम जो है स्टीम का होता है, ठीक है। जमीन के अंदर से मजबूती देने का काम किसका होता है, रूट का होता है, और जमीन के ऊपरी हिस्से से मजबूती देने का काम होता है स्टीम का। द स्टीम कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। रूट्स जो एब्जॉर्ब करती है वाटर, वाटर और मिनरल्स जो मिट्टी से लेती है उसको लीव्स तक यानी पत्ते तक पहुंचाने का काम स्टीम करती है। पत्ते तक क्यों पहुंचाया जाता है, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, भोजन पकाता है पौधा, उससे भोजन, पौधा को भोजन पकाने के लिए वाटर का, मिनरल्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का, ठीक है, इन चीज़ों का आवश्यकता होता है। तो सनलाइट तो वो ले लेती है बाहर से, उसको मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको एटमोसफेयर से मिल जाता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स उसको कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। रूट्स उसको सॉइल से ऑब्जर्व करके देती है, तो उसको पहुँचाने के लिए, कैरी करने के लिए कोई सोर्स चाहिए ना, उस सोर्स को हम बोलते हैं स्टीम, ठीक है ना। वो स्टीम क्या करता है कि जो वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व किया जाता है रूट्स के द्वारा, उसको रूट्स से लेकर के लीव्स तक पहुँचा, एक ये फंक्शन है इसका। इट्स ऑल्सो कैरीड फूड प्रिपेयर्ड बाई द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये इसका दूसरा काम क्या है कि जो भोजन बन जाता है, जो लीव्स के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, उस लीव्स में बने हुए भोजन को ये बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये पहले क्या करता है कि सॉइल से जो वाटर और मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया है उसको पहुँचाता है लीव्स तक भोजन बनाने के लिए। भोजन बनने के बाद उस भोजन को फिर प्लांट्स के बाकी हिस्सों में कैरी करने का मतलब होता है ढोना, दूसरे जगह तक पहुंचाना, वो पूरे पेड़ के सभी जगहों तक पहुंचाने का काम भोजन को करता है।
सम प्लांट्स लाइक शुगर कैन, कुछ पौधे ऐसे पौधे हैं जैसे जैसा कि शुगर कैन, पोटैटो, गिंगर, स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टीम। इस तरह के पौधे जो हैं कुछ अलग तरह अलग से भोजन को जमा करके रखते हैं अपने स्टीम में। रूट्स में मैंने बताया था आपको कि कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि बताया था आपको कि कैरोट था, रेडिश था, टर्निप था, बीटरूट था, ये भोजन कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हैं रूट में। उसी तरह से कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे शुगर कैन, पोटैटो, गिंगर, ये कुछ एक्स्ट्रा भोजन को स्टोर करके यानी कि जमा करके रखते हैं कहाँ, स्टीम। ठीक है, तो चलिए आपका रूट एंड शूट खत्म हो गया आज। चैप्टर टू हम पढ़ा रहे थे आपको, चैप्टर टू में पेज नंबर 15 एंड 16 हमने खत्म किया है। इसके अंतर्गत आता है रूट एंड शूट, ये पार्ट ऑफ द प्लांट है, पौधे के हिस्से हैं, मुख्य हिस्से, एक जमीन के अंदर की तरफ है और एक जमीन के ऊपर की तरफ है। अंदर की तरफ जो आता है उसको हम रूट बोलते हैं, जमीन के ऊपर हिस्से वाले में जो आता है उसको हम शूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पेज नंबर 17 लीव्स के बारे में, लीव्स के बारे में जानेंगे कि लीव्स क्या है, लीव्स के फंक्शन क्या है। उसके आगे फ्लावर के बारे में हम जानेंगे कि फ्लावर क्या है, फ्लावर का फंक्शन क्या है, फ्रूट्स क्या है, सीड्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है यानी कि सीड की बनावट कैसी है, काइंड्स ऑफ सीड क्या है, सीड के कितने भाग होते हैं, बीज जो होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक का आपका वर्क है कि आपको इसमें से सबसे पहले तो हार्ड वर्ड निकाल लेने हैं, जो वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो हार्ड वर्ड्स निकाल लेने हैं, मीनिंग्स आपके पास जाएंगे उसके, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कलेक्ट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक है, 10 ऐसे फूड का नाम लिखना है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रूट की तरह, रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैरोट है, तो कैरोट है तो कैरोट क्या होता है, जमीन के अंदर वाले हिस्से में पनपता है, उसको हम खाते हैं। तो आपको 10 ऐसे फूड का नाम कलेक्ट करना है, जमा करके लिखना है होमवर्क में, जो जिसको इस्तेमाल करते हैं हम रूट की तरह। ठीक है, रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको लिखना है, और बाकी रिटर्न होमवर्क हम देंगे आपको। दो होमवर्क अभी हम दिए हैं, एक हार्ड वर्ड निकालने हैं आपको 15 पेज नंबर 15 का अलग, पेज नंबर 16 का अलग। उसके बाद दूसरा वर्क हम दिए हैं आपको कि पार्ट ऑफ द प्लांट आपको बनाने थे पिछले क्लास में। ठीक है, पार्ट ऑफ द प्लांट बनाने थे पिछले क्लास में। आज आपको क्या करना है कि 10 फूड का नाम लिखना है जिसको हम रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको हम रूट की तरह, 10 नहीं भी हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 ही लिखें, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बताने हैं विद एग्जांपल कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसको हम रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसी तरह से आपको रूट शूट का भी एग्जांपल देना है कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, प्लांट भी आते हैं जैसे कोरिएंडर आता है, कोरिएंडर को हम इस्तेमाल करते हैं शूट की तरह क्योंकि जमीन के ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल उसमें हम करते हैं भोजन में उसको। तो हमको शूट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और रूट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, शूट का भी एग्जाम्पल लिखना है हमको कि शूट में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा पौधा आता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में, और रूट के कौन कौन से पौधे आते हैं जिसको इस्तेमाल करना है आपको, इस्तेमाल करते हैं हम अपने भोजन में। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है और वर्ड मीनिंग आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पेज नंबर 17 चैप्टर 2 का पेज नंबर 17 लीफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।